कैसा था? मार्केट बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। क्या है कि यदि नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि आप देखेंगे लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर हम लोगों ने बनाया, पहले 450 वर्ग किलोमीटर का था, आज वो 1950 वर्ग किलोमीटर का है। पहले सारे खदान को बाहर कर दिया गया था लेमरू एलिफेंट, अभी 39 खदान उस लेमरू एलिफेंट में आज 39, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार को भी अलाट था उसको, उसमें भी शामिल है। तो 39 खदान है जो कभी खुल नहीं पाएगा। अब रही बात जो राजस्थान गवर्नमेंट को मिला हो, जो खदान चल रहा है, तो चल रहा है खदान कैसे बंद करोगे? आज कोयले कोयले की जरूरत ही नहीं। तो जो लोग विरोध करते हैं सबसे पहले अपने घर की बिजली बंद कर दे, उनको बिजली नहीं चाहिए, क्योंकि बिजली तो कोयला से बने के देश में हाइड्रो प्रोजेक्ट कितने हैं या पवन चक्की से कितना बिजली उत्पादन होता है, लिमिटेड है। आज सब्स्टिट्यूट के रूप में सोलर आया, लेकिन वो उसकी भी सीमाएं हैं। जिस दिन और कोई भी व्यवस्था हो जाएगी तो फिर कोयला आधारित जो ताप विद्युत गृह है उस पर निर्भरता हमारी कम होगी, लेकिन आज की तारीख में ताप विद्युत गृह के ही पर निर्भरता है। तो कोयला चाहिए तो भाई खदान तो चलाना पड़ेगा। लेकिन हम इसमें फिर मैं कहता हूँ कि केवल उतने ही हमको कोयला देना है जितना हमको जरूरत है। यदि राजस्थान गवर्नमेंट को, पहली बात तो ये समझ लीजिए कोयला है, कोयला खदान है कोल बेरिंग एक्ट तहत संचालित होता है, नंबर एक। नंबर दो, अलाटमेंट करने का काम भारत सरकार का है, राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है इसमें। तो हमारे यहाँ कोयला खदान है, हम राजस्थान को क्यों देते, महाराष्ट्र क्यों देते, गुजरात को क्यों देते, आंध्र प्रदेश क्यों देते? हमारे कोयला जा रहा है ना सभी प्रदेशों से, ECCL का कोयला पूरे देश भर में जा रहा है। सबसे ज्यादा कोयला खदान 52 कोयला खदान तो केवल ECCL का है। राजस्थान गवर्नमेंट को 2003 खदानें दी गई, एक खदान हमारी छत्तीसगढ़ में चल रही, लेकिन वो एरिया नहीं, हमारे रायगढ़ में तो वो संचालित है। जो यहाँ से था उसको हमने लेमरू एलिफेंट में ले आया, कॉरिडोर के अंदर में ले आया। अब वहाँ यदि कोयला खदान चल रहा है उसका एक्सपांशन करना है, एक्सपांशन करेंगे तो पेड़ कटेगा, और पेड़ कितना कटेगा? इस साल केवल 8000 पेड़ कटेगा, 39 हेक्टेयर या 43 हेक्टेयर ऐसे कुछ जमीन है, मुझे अभी आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 39 या 43 हेक्टेयर है, 8000 पेड़ हिसाब कटेंगे। हल्ला कितना है? 8 लाख पेड़। कब गिन लिए भैया, कब गिनती कर लिया 8 लाख पेड़ का? और खुदाई होना है, उस खदान चलेगा तो 30 साल तक ही चलना है, तो 30 साल 43 हेक्टेयर, 8000 पेड़ हिसाब कटेंगे। हल्ला कितना है? 8 लाख पेड़। कब गिन लिए भैया, कब गिनती कर लिया 8 लाख पेड़ का? और खुदाई होना है, उस खदान चलेगा तो 30 साल तक ही चलना है, तो 30 साल के पहले वन पर्यावरण का नियम है कि आप पेड़ काटेंगे उसके पहले पेड़ लगाना है आपको, तो उसके अगेंस्ट में पेड़ लगा कि नहीं वो देख लें। यदि किसी किसान की जमीन जा रहा है तो उसको मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यदि 4 गुना मुआवजा प्रावधान वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यदि पेड़ उस जंगल से आश्रित लोग हैं तो उसकी व्यवस्था क्या है, इसमें लड़ाना छोड़ के वो कहते हैं कोयला नहीं चाहिए, तो सबसे पहले अपने घर में वो AC और कूलर पंखा बंद करना चाहिए। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तब तो उस लड़ाई असली लगेगी। अपने घर में बीवी बच्चों को बढ़िया AC में रख रहे हैं और दूसरे कहते हैं आप अंधेरे में रहो, कैसे संभव? हम छत्तीसगढ़ के जंगलों या यहाँ के आदिवासियों के हितों में कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे, एक बात बहुत स्पष्ट, लेकिन इन संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों के, चाहे वो कोयला हो, चाहे लोहा हो, बासाइट हो, टीन हो, डोलोमाइट, इसमें बहुत सारे संयंत्र चलते हैं जो देश के लिए भी आवश्यक है और रोजगार के लिए भी आवश्यक है, वो सब चीजें करनी पड़ती है। अब हमारे यहाँ कोयला है तो कोयला तो यहीं खुदेगा भाई, नहीं रहता तो थोड़ी, अब कोयला खदान का आखिर में चलाओ बोलेंगे कहाँ चलेगा, यहाँ तो लोहा है, कहीं कहीं सुना भी है शायद, सुना लोहा मिक्स। और कोई सवाल?
कैसा था? मार्केट बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। हाँ जी, कहाँ नाम तो? कहाँ पहले इस पार्टी का है?
सारा मुख्यमंत्री जी मिस्त्री जान रही है, प्रणाम है, प्रणाम। अब यदि भी है छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी कर्मचारी सब के चरणों में प्रणाम है। अच्छा सर, आप मन हर जो चुनावी प्रचार में घोषणा पत्र में जो वादा कर रहे हैं एकदम पक्का वादा कर रहे हैं और जुबान एकदम पक्का रहे हो, काबर कि आप मन कह रहे हो जैसे मैं कुर्सी में बैठूं वैसे मैं यहाँ किसान मन के कर्जा माफ कर दे हूँ। ऐसे कोई सरकार जी से जो कोई कर्जा माफ कर दी बैठते वहाँ एक मैं यहाँ बहुत बहुत आभारी हूँ, काबर कि जो कर्जा माफ हुई मोर 40,000 के कर्ज रही से और ओकर माध्यम से मोला सिंचाई के सुविधा बना रहे हो और आप मन हा एक घोषणा होकर रहे हो धान के रेट ला 2,500 रुपया क्विंटल गेहूँ कही गई और ओमे भी समर्थन मूल्य ला तुरंत 15 दिन के अंदर में दे रहे हो और आप मन हा राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला एक नंबर मोर कहे के आधार पर ऐसे है जब किसान को पैसा की जरूरत पड़ते तब हमारा सरकार है किस्त में बैठे जैसे अभी लोन मिले है लगभग 8,000 रुपया मिले है जहां मोला धान बीज का पर्याप्त कीटनाशक का पर्याप्त पैसा मिल गए है। एक में यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी के चरण में सादर प्रणाम है और बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोले सर। साथ ही सर मोर एक ठन विनती है आपसे कि मैं 25 किलोमीटर ग्राम सरंडी से आए हूँ तो हमारे गांव में एक चीज की कमी महसूस होते मैं भी थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे लेकिन हमारे गांव में एक ठन इंग्लिश मीडियम स्कूल के मान मैं जरूर प्राप्त हूँ ना मैं आवेदन के माध्यम से मिल रहे हूँ ना निवेदन के मैं सरंडी अंतर ब्लॉक के शायद सबसे बड़े गांव होने सर एक बार इंग्लिश मीडियम स्कूल दे देते तो हमारे गांव के लड़के मन अच्छा से शिक्षा ग्रहण करती बढ़िया। यही से मेरा नाम श्री सुनराम ध्रुव है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे मन के लिए भेंट मुलाकात में हुए हैं। सर मैं किसान हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई देता हूँ कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत में जो योजना आपने चलाया और दूसरा गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना इतना हमारे पर कारगर साबित हो गई कि आप हमारे लिए एक मसीहा हो। दूसरा बात मोर फार्मिंग जो है जैविक जीरो बजट प्राकृतिक खेती है, जीरो बजट प्राकृतिक खेती में जो है हम एक भी रुपया के खाद बीज कीटनाशक हम बाजार से निकलते हैं, ये सुभाष पालेकर की नीति है और बहुत ही बेहतर है और गोधन पर ही आधारित है और इन्हें किसान आत्मनिर्भर बने और जो खाद्य पदार्थ बाजार में जैविक गोबर कीटनाशक के माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश दुनिया में आज कर मांग काफी प्रचलित है। जो है मैं सुदामा बन के आया हूँ आपके बीच में, मेरे पास एक चावल है बहुत बहुत धन्यवाद देते हाट बाजार वाला है साहब, मुख्यमंत्री हाट बाजार वाला जो गाड़ी है ना साहब यहाँ ले बंडापाल कोयली बेड़ा और ये तरह बागवन के नवागढ़ काय होते हैं साहब कि हमारे गरीब आदिवासी महिला पर काय बीमार कर रहे हैं ना कोई कोई गोली पर नहीं जाए लेकिन बाजार जाते हैं और बाजार जाते हैं ना ही साहब तो जिर्रा भाटा रमकलिया लेवत लेवत गोली खेला लेती और जाता ना हो मूढ़ी पीड़ा तो नहीं हो हमारे आदि महिला घोड़ा हाथ इस टाइप होते ये गोली दवाई सोप आप मन की क्या दूरदर्शी योजना है साहब, ये पूरा छत्तीसगढ़ का सबसे योजना जोरदार योजना है साहब स्वास्थ्य विभाग में। और दूसरा बात और बात रहता हूँ साहब, एक कांकेर जिला में स्वास्थ्य में सौंदर्यकरण में हमार अंतरगढ़ के अस्पताल फर्स्ट आई से साहब एकदम फर्स्ट आई से हमारे कांकेर जिला की
और दूसरा बात ये भी आए दादा, ये हमारे गाय के जिला में नौ नौ छह लड़कों मन पाप करी दादा, ये सब आप मन के सरकार के और आप मन के यहाँ के जनप्रतिनिधि मन के बहुत जोरदार आशीर्वाद है। और साथ में हमारे ये जिला के हमें जोरदार साहब मिली से कलेक्टर साहब चंदन कुमार साहब, और मैं उकार भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे ना बादल जा रहे दादा, मैं आप मन यूनिवर्सिटी मांग रहे हूँ, आप मन कह कि नहीं मैं जाके आए हूँ नोना मन बादल के तर्ज में तुमन बनाओ, तान हमार कलेक्टर साहब है हमला हमार गोटुल के हमार जा रहे बादल देखेला जोरदार बने हमार जा रहे हैं बारह जन जा रहे हैं साहब जी। अच्छा देखे बादल इतना सुंदर स्टूडियो हावे साहब, और नाचे पर ओपन थिएटर मंडप, और इतना हमर सियान वाला परगना मांझी हो गायका हो सिरा हो गुनिया हो सब छन पर रुके पर जोरदार एसी वाला रूम हावे साहब हो मजाक नहीं कर एकदम मस्त सब बनी से, और संस्कृति लगा कोई समझी नहीं ना दादा, मेरा तो 30 साल हो गए गोटुल में मैं काम करता हूँ, 7-8 साल कई अंदर अंदर गांव में गोटुल में लेता हूँ, और धीरे 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 करके कोशिश करता हूँ, और मैं आज पहली बार देखा कि मोर बस्तर में संस्कृति के रक्षा करे भाई इतना जोरदार बनी से, जो आप मन के कृपा से मोर आम अकड़ में मिली दादा। लक्ष्मी का आड़े लक्ष्मी कौन का आड़े लक्ष्मी कोड़गांव बने हैं गठान बने हैं सर समिति गठान समिति भी है गठान समिति का नाम है जय माँ सेरा वाली सहायता। अरे बाप रे जय माँ सेरा वाली किसे ना हो दस सदस्य मान से काय काय करता लक्ष्मी जैविक खाद बनाता हूँ। अच्छा कब से बना रहा हूँ जैविक खाद जब से गठान चालू हुआ है तब से जैविक खाद बनाता हूँ। हाँ तो अभी कभी कहीं बना रहे हो हमन हाँ 195 कुंटल जैविक खाद बना है उन्हें 180 कुंटल बिक्री करे हैं पैसा आगे हाँ आगे 60,570 रुपया हमला लाभ हुए नहीं ज्यादा हुई वो अभी 180 नहीं तो बाकी है अब एंट्री करा के बाकी है। अरे बांट डरे सर बांट डरे ना हमारे समूह सदस्य मंडल ड्रेस घलक ले डरे हैं। ओ हाँ भाई ताली बजाओ भाई अपन पैसा के हैं तो मेला से पैसा करके और ड्रेस वगैरह हम खरीद रहे बढ़िया। और कुछ बोलना है आओ आओ का काम हो गया है अब गौठान है ते गौठान में ज्यादा निगरानी हो अच्छा से हमार गौठान आगे बढ़े हमला वहाँ रोजगार हमेशा मिलते रहे और हम अपन आजीविका में आगे बढ़न और घर के लोग लड़का के पालन सब पढ़ाई लिखाई सब में अच्छा कर सका योजना ला आप मन खोले हो एकर से तीने हमार समूह के तरफ से मैं बार बार धन्यवाद देवत हूँ। धन्यवाद लक्ष्मी बहन जय जोहार। कोड़गांव में तो सबसे पहले कोड़गांव टेमरू पानी तक के जो सड़क है तक चौड़ीकरण करने की घोषणा करा दूसरा ग्राम पंचायत बंडापाल में बालक बालिका मिडिल स्कूल हेतु छात्रावास की घोषणा करा था। आमाबेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया जाए उसकी बधाई आपको, और फैसला स्वरूप स्वास्थ्य केंद्र को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। और कोड़गांव बिहारी तोपाल से तोपाल में देवगुरु उन्नयन और आहता निर्माण मांग कर रहे थे विधायक जी का अनुशंसा है एक में घोषणा करा था। और सबसे बड़ी जन मांग है प्रशासनिक अंतागढ़ में एडीएम और एडिशनल एसपी के पद स्थापना के जाते ताकि हमारे प्रशासनिक रूप से सब सुविधा हो जाए। और ग्राम पंचायत बड़े तोपाल में नया आंगनबाड़ी भवन के निर्माण किए जाए एक मांग हमारे सरपंच जी के द्वारा लेकर मेरिट में आए और यही स्कूल से बने हैं अतिरिक्त कमरा में वहाँ पढ़ाई हो थे तो वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन के भी घोषणा मैं करा था। और साथ ही गोडरा पारा नाला में पुलिया की जरूरत है वो घोषणा करा था।
अंतागढ़ में तहसील भवन के भी घोषणा करा, और अंतागढ़ गोल्डन चौक से बिजली ऑफिस तक के मॉडल रोड निर्माण के भी घोषणा करा। अब कौड़ा साल ही मार मार्केट बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। मार्केट बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर।